देखो ये वीडियो देखने के बाद मेरे को भरपूर हेट मिल सकता है, बट ठीक है कोई बात नहीं। अब कल के दिन पे अनाउंस होता है कि सलार, जो कि प्रशांत नीलन प्रभास की फिल्म है, वो अब रिलीज होगी शाहरुख खान की फिल्म डंकी के साथ ऑन 22 दिसंबर। मैं बोला बच्ची ये तो बहुत ही हार्ड न्यूज है। फिर मैं ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था और मैं देख रहा हूँ कि यार शाहरुख खान के लिए बेफिजुल का हेट चालू हो गया कि चलो सलार के वजह से डंकी प्रमोट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने सोचा कि जब बेफिजुल का हेट चल ही रहा है तो क्यों ना मैं आप लोगों को सच से वाकिफ कराऊं। अब टू बी ऑनेस्ट खुला बोलता हूं, इफ यू गाइस आर स्टिल अंडर एस्टिमेटिंग शाहरुख खान इवन आफ्टर जवान एंड पठान, देन इट्स अ ह्यूज मिस्टेक। आज से 4 साल पहले जब शाहरुख खान का टाइम खराब चल रहा था, फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो रही थी, लाइक जब हैरी मेट सेजल, जीरो एंड ऑल, दिलवाले एंड ऑल वगैरह वगैरह, तब उनकी अच्छी फिल्म भी नहीं चल पा रही थी। आप देख लो फैन एक अच्छी फिल्म थी लेकिन बॉक्स ऑफिस में फेल हो गया था क्योंकि टाइम ही नहीं अच्छा चल रहा था। लेकिन आज जब शाहरुख खान कम बैक करते हैं तो पूरे इंडस्ट्री का टाइम अच्छा कर डालते हैं। बच्ची एक ही साल में 2000 करोड़ का धंधा करके देता है शाहरुख खान, वो भी पठान और जवान से, और किसी के बाप के गान में दम नहीं, ये रिकॉर्ड बना पाए और ये रिकॉर्ड तोड़ पाए घंटा। एंड अभी तो डंकी आ रही है, वो भी राजकुमार हिरानी के साथ। राजकुमार हिरानी का वो नाम है जिसने संजू जैसी फिल्म से 350 करोड़ समथिंग कमा के दिया था। भाई तुमको, तुम जानते ही नहीं हो कुछ, अभी तक कुछ नहीं जानते। और शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी ये गोल्डन कोलैबोरेशन है। देखो एक और बात रखना चाहता हूँ कि आई थिंक मैं जब से नोटिस कर रहा हूँ सिनेमा को, आई गेस माय नेम इज खान के बाद से शाहरुख खान को अपने अच्छी चीज पे भी अपने ही लोग हेट देते हैं, तो ये तब से होते भी आ रहा है। आप यही साल का नोट कर लो, पठान भर भर के सबने देखी लेकिन उसके बाद सबको खराब लगने लग गई। जवान भर भर के सब लोगों ने देखी, इनफैक्ट 500 करोड़ पार कर दी फिल्म, लेकिन अब सबको बेकार लगने लग जा रही है भाई। लेकिन मैं शाहरुख खान का एक चीज मानता हूँ कि यार उसका ना एक ऐसा स्टाइल है कि उसको मार्केट का सब कुछ पता है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको ए टू जेड सबका सब चीज मालूम है, लेकिन वो जवाब देता है अपने अगले काम से, इसलिए वो किंग खान है भाई। एनीवेज, अब सलार वर्सेस डंकी इस क्लैश के बारे में बात करूं तो मुझे एक थोड़ा ना ईगो क्लैश लगता है। आई मीन जब जवान का ट्रेलर आता है तब सलार पोस्टपोन्ड हो जाता है, फिर लोग बोलने लगे कि जवान के डर से सलार पोस्टपोन्ड हो गया, तो शायद से मेकर्स लोगों को लगा रहेगा कि अब ये अच्छा नहीं साउंड कर रहा है, एक काम करते हैं अब शाहरुख खान के साथ ही अपनी फिल्म रिलीज कर देंगे। अब इसका तो कोई खास सेंस लग नहीं रहा है क्योंकि डंकी ने तो 2 साल पहले अपनी रिलीज डेट बांध के रख ली थी, एंड अब सलार का उसी दिन आना, मतलब धंधा खराब। यार क्लैश का बेनिफिट तो यही है कि भाई साहब स्टार पावर के दम पे आप एक दिन टिक सकते, 2 दिन टिक सकते, आप दिखा सकते, उछड़ सकते हो कि देखो भाई हमने तुम्हारे स्टार की पूछ मार दी, ये कर दी, वो कर दी, लेकिन एट द एंड में जो फिल्म अच्छी रहती है वही चलती है। आप एग्जांपल ले लो, चलो शाहरुख खान का ही एग्जांपल ले लो, जब शाहरुख खान की रोहित शेट्टी वाली वो दिलवाले फिल्म आई थी, उसी के साथ साथ बाजीराव मस्तानी आई थी रणवीर सिंह के, एंड आई स्टिल रिमेंबर वो फिल्म का प्रमोशन कुछ इतना खास नहीं था लेकिन बाजीराव मस्तानी अच्छी फिल्म थी, वो सुपर हिट हो गई। सेम गोज टू रईस वर्सेस काबिल, वो तो कितना पॉपुलर क्लैश था हम सब जानते हैं। अरे आप यही होमबले फिल्म का वो जीरो वर्सेस KGF 1 वाला क्लैश देख लो, KGF 1 अच्छी फिल्म थी, वो चल गई, जीरो सच में नहीं अच्छी थी तो कैसे चलेगी। तो बस यही बात है। अब बात करो प्रभास की, तो मैन ही इज अ सुपरस्टार मैन। उन्होंने एक्शन फिल्म साहो की थी तो ऑडियंस को घाव लगा था, उन्होंने लव स्टोरी राधे श्याम की थी तो ऑडियंस ने डिवोर्स ले लिया था, उन्होंने आदि पुरुष में जीसस का रोल किया था तो ऑडियंस नास्तिक हो गए थे, एंड भूषण कुमार तो आज भी अपने CA से हिसाब नहीं मांग पा रहे कि इस एक्टर पे 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के बाद लॉस कितना हुआ। बट देखो यार एक्शन फिल्म का हमेशा से हाइप ज्यादा ही रहता है मार्केट में, तो सलार की हाइप तो है ही है, इनफैक्ट वो बहुत ही एंटिसिपेटेड फिल्म है। वहीं डंकी की बात करो तो वो एक कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म है, एंड राजकुमार हिरानी का भी नाम है शाहरुख के साथ साथ, तो लोग वहां पर भी जाएंगे। बट चीजें ऐसी हो जाएगी ना कि साउथ में सलार बाजी मारेगा एंड नॉर्थ में जगह नहीं बना पाएगा, नॉर्थ में तो डंकी पूछ मार देगा, उसका तो नो डाउट, कोई बोलना ही नहीं चाहिए कुछ। देखो आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ, शायद बहुत लोगों को ये चीज नहीं मालूम रहेगा। देखो जितनी भी साउथ इंडियन फिल्म्स रहते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा फिल्म जो भी रहते हैं ना, उनका फर्स्ट डे सेकेंड डे ओपनिंग एकदम बम्पर रहती है, लेकिन थर्ड डे ऑलमोस्ट 70% ड्रॉप होता है और उसके बाद खेल खत्म हो जाता है। तो जितनी भी कमाई है ये स्टार्टिंग के दिन में ही कमाते हैं। वहीं हिंदी मार्केट की बात करें तो यहाँ पर ऐसा है कि अगर फिल्म आपकी चल गई ना तो वो दौड़ती है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टार्टिंग 1-2 दिन चले उसके बाद ठंडा हो जाए, नहीं, यहाँ पर वीकडेज में भी कुत्ते जैसा भागती है फिल्म। तो बस ये पूरे वीडियो का कहने का तात्पर्य ये है कि सलार एंटिसिपेटेड फिल्म हो के भी अपना मार्केट खराब कर रहा है हिंदी में, क्योंकि वो डिजर्व करता है अपना ऑडियंस और टाइम स्पेस सब कुछ डिजर्व करता है। तो अगर ये क्लैश में लाकर अगर ये फालतूगिरी कर रहे हैं तो आप अपने ही फिल्म का अपमान कर रहे हैं, ये कोई सेंस ही नहीं यार, मत करो। सो ओवरऑल सलार के मेकर्स अगर अभी भी इसको जीरो वर्सेस KGF 1 वाला क्लैश समझ रहे तो ये आपकी गलत फहमी है। देख लो ये शाहरुख खान का कमबैक है एंड प्रभास की प्रीवियस फिल्म के हिसाब से प्रभास का गो बैक है,
तो साउथ वालों के लिए प्रभास का कमबैक एक ग्रैंड हो सकता है, लेकिन हिंदी मार्केट में वो थोड़ा जलवा नहीं है, क्योंकि हिंदी मार्केट ने उसके पैन इंडियन फिल्म देखी है, राधे श्याम साहोर एंड आदि पुरुष, तो यहाँ के लिए भाई साहब वहाँ जैसा माहौल होना बहुत फ़र्क है सर। ये आप लोग दिमाग लगाइए, आपको खुद ही समझ जाएगा। बाकी देखो यार, मेरे वीडियो में किसी को हेट नहीं है, मैं भी दोनों फिल्म के लिए एक्साइटेड हूँ। अपना रिव्यू आप देखते जाए तो आपको वाकिफ ही है। बाकी सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो अच्छा लगे तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।